सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस में, मुझे दोषी का करार दिया है कंटेम्प्ट के लिए और एक रुपए का फाइन लगाया है और बोला है अगर मैं फाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा, ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं ये फाइन दे दूंगा लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, अब मुझे करीब 37 साल हो गए, 37 साल से ज़्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी जगह है खासकर गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए, जो उनके पास आते हैं अपने हकों की रक्षा कराने के लिए, और ख़ासकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब उनके हक वायलेट करती है उसके लिए जब आते हैं। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया। ये इशू ये नहीं है कि मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के या मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रांग होता है और स्वतंत्र होता है तो हर नागरिक इस देश का जीतता है, ये देश जीतता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होता है तो हर नागरिक के लिए हार। मैं अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ इतने सारे लोग जो मेरे लिए मेरे सपोर्ट में मेरे संग सॉलिडारिटी में खड़े हो गए, चाहे वो जज रहे हों पूर्व जज, चाहे वकील रहे हों, चाहे एक्टिविस्ट रहे हों, चाहे आम नागरिक रहे हों, इतने सारे लोग खड़े हो गए और इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और बहुत उम्मीद की किरण जगती है कि देश में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को इससे मजबूती मिलेगी और न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका में जो बदलाव की ज़रूरत है इस कैंपेन को भी शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि इन्होंने उसको लोगों ने इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक औजार समझा, और बहुत सारे लोग जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपना आभार
जो हम मेरी लीगल टीम थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और खासकर जो हमारे सीनियर वकील थे राजीव धवन और दुष्यंत दवे के प्रति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्य की जय होगी और इस देश में लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। सत्यमेव जयते।